गांव का नाम आते ही दिमाग में एक अलग छवि बन जाती है। गांव का मतलब कच्चे मकान, छोटे और पतले रास्ते, चारों तरफ हरियाली, सभी के पास पशुधन और रोजगार के लिए खेतीबाड़ी होती है। मौजूदा समय में गांव, कस्बे, नगर सभी एक दूसरे से सड़कों से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां पर आज भी सड़क नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना सड़क लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते कैसे होंगे। तो आपको बता दें कि यहां पर सभी लोग अपनी कार बाइक की जगह अपनी नाव लेकर घूमते हैं। इस गांव में कोई भी कार या बाइक नहीं खरीदता बल्कि नाव खरीदता है। इस अनोखे गांव में आपको एक भी सड़क नहीं मिलेगी। गांव में आने जाने के लिए सिर्फ पानी का रास्ता है। आइए जानते हैं दुनिया के इस अनोखे गांव के बारे में। दरअसल हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड में बसे एक छोटे से गांव गीथोर्न की। ये गांव इतना खूबसूरत है कि इससे नजर हटाना काफी मुश्किल है। देश दुनिया में कई ऐसी जगह मौजूद है जो अपने सुंदर नजारों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, और ये गांव भी उन्हीं खूबसूरत जगहों में से एक है। गीथोर्न को वेनिस ऑफ द नीदरलैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहां की नदियां, कैनल्स और झीलों की वजह से यह गांव वेनिस की तरह दिखता है। इस गांव में कोई रोड नहीं है, सिर्फ स्मॉल फुटपाथ होते हैं जिनसे घर तक जाया जा सकता है। गीथोर्न के बीच बीच में बहुत सारे झील भी हैं और यहां के कई जगहों पर टूरिस्ट बोट्स भी हैं जिनसे यहां के लोग टूरिस्ट को घुमाते हैं। गीथोर्न के लोग अपने घरों को बोट से ही जाते हैं, इसलिए यहां पर बहुत सारे बोट्स रेंट पर भी दिए जाते हैं। आप यहां पे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खूबसूरत घूमने का मजा ले सकते हैं। गीथोर्न के बीचों बीच में कई सारे रेस्टोरेंट और कैफेज भी हैं जहां पर आपको टेस्टी फूड मिल सकता है। यहां के फेमस डिशेज में हेरिंग और स्टूव वफल्स का नाम आता है। इस गांव का क्लाइमेट काफी प्लीजमेंट है और साल भर यहां के लोग इस खूबसूरत गांव का मजा लेते हैं। अगर आप नीदरलैंड में हॉलीडे प्लान कर रहे हैं तो गीथोर्न को जरूर विजिट करें। गांव में सड़क नहीं है तो यहां पर कार या बाइक चलाने का भी मतलब नहीं बनता। इस कारण आपको गांव में बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं दिखेगा। यहां लकड़ी के कई पुल भी बनाए गए हैं। दूर दूर से लोग इस गांव में घूमने के लिए आते हैं। गांव में कुल 180 पुल हैं। साथ ही इस गांव की कुल जनसंख्या करीबन 3000 है। वैसे तो यहां पर कई सारी मोटर चलती है लेकिन हर परिवार के पास अपनी एक एक बोट है। सर्दियों में इस जगह पर बर्फ जमती है जिस वजह से आप यहां पर स्केटिंग का मजा ले सकते हैं। खैर आप थोड़ा गीथोर्न की हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। इस गांव की स्थापना 1230 में हुई थी और शुरुआत में इसका नाम गैटेनहॉर्न था, बाद में इनका नाम गीथोर्न हो गया। गांव में नहर बनाने के पीछे भी एक इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि 1 मीटर गहरी नहरों को ईंधन में यूज किए जाने वाले एक प्रकार के घास को एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाने के लिए किया गया था। खुदाई के दौरान यहां कई तालाब और झील बन गई। तब शायद किसी को यह अंदाजा भी नहीं होगा कि पीठ पहुंचाने के लिए बनाई गई नहरों के कारण यह जगह दुनिया के नक्शे में खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में छा जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये बेहतरीन वीडियो आपको बेहद अच्छी लगी होगी। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ।